मुझे सिस्टर का नाम किरण है और जे डेरा बाबा नानक कन्ना गांव की रहने वाली है और जिस सिस्टर की टेस्टामनी जे है जिस सिस्टर क्वायर टीम में है और जिस सिस्टर की गवाही जे है कि बचपन से जिस सिस्टर के सिर के पीछे चोट लग गई थी और जिसके कारण कि इसके सिर में काफ़ी बड़ी गिल्टी हो चुकी थी और हर 6 महीने बाद ही जो सिस्टर बताते हैं कि इसके सिर में बहुत तेज दर्द होती थी और वो दर्द इसके सहने से भी बाहर थी और जिसके कारण इसको चक्कर भी आते थे और जो कोई भी काम नहीं थी कर सकती, इतनी तेज दर्द रहती थी इसके सिर में और हर 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम इसके जीवन में आती थी और जिसके कारण जो सिस्टर बहुत परेशान थी। और जैसे ही जो सिस्टर तो विश्वास करते थे, जैसे हमारी मिनिस्ट्री की जो टीचिंग है पॉजिटिव प्रेयर और पॉजिटिव शिक्षा और जो जानती थी और कभी भी जो सिस्टर ने प्रभु के दास के साथ बात नहीं थी की, क्योंकि जो सिस्टर इस विश्वास को लेकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में जाती थी कि परमेश्वर आप मुझे इस प्रॉब्लम से अच्छा कर चुके हो। और जैसे ही पिछले संडे प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जिस सिस्टर के लिए घोषणा हुई कि किसी के सिर के पीछे गिल्टी है जो रसौली का रूप ले रही है, तो जैसे ही इस सिस्टर ने रिसीव किया उससे पहले हम इस क्लिप को देखेंगे। इस सिर की गिल्टी को गायब होते देख रहा हूं और अब हील है। अब के सिर में वो छोटी नहीं है, बड़ी गिल्टी जैसे पूरी बन चुकी है, वो रसौली का रूप भी ले सकती है, गिल्टी हो सकती है, रसौली जैसी हो सकती है। पर मैंने कुछ देखा और आप परमेश्वर आपको छू चुका है। आप जो कोई भी हो अब फ्री हो। मैंने कहा आप जो कोई भी हो अब फ्री हो यीशु मसीह के नाम से। आमें। तारीफ करो ऊंचा परमेश्वर की। तो जिस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही पापा जी के मुख से जो वर्ड आया तो इस सिस्टर ने विश्वास के साथ रिसीव किया और जो बता रहे कि जैसे रिसीव किया और 2 दिन में ही उस गिल्टी को परमेश्वर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब कोई भी आकर इस गिल्टी को चेक कर सकता है। परमेश्वर ने इसके जीवन में जो इस बड़ी गवाही को बनाया, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो ये बच्ची बोल रही है कि कोई भी आकर चेक कर सकता है। देखो हाँ, ये क्यों ऐसे कह रही है कि कोई भी आकर चेक कर सकता है? क्योंकि बहुत से लोग मसीह लोगों पर दोष लगाते हैं, हाँ, कि ये झूठ मूठ क्या करते हैं, ये झूठ मूठ ऐसे बताते हैं, झूठियां। क्यों ये कह रही है, ये बच्ची क्यों कह रही है कोई आकर चेक कर सकता है? हाँ भाई, जिसके पेट में दर्द है उसे पता है कि नहीं, मुझे मेरे पेट में दर्द है, हाँ, तो पता मेरे गवांडी को है, मेरे पड़ोसी को है कि मुझे पता होगा मेरे पेट में दर्द है? अरे जिसके सिर में है उसे पता है, वो क्यों झूठ बोलेगा? और सबसे बड़ी बात देखो, पॉइंट नोट करो कि ये बच्ची क्वायर टीम में है। क्वायर टीम मतलब समझे, ये वर्शिप करती है, तो ये जानती इस मिनिस्ट्री की जो पॉजिटिव शिक्षा और पॉजिटिव प्रेयर, हाँ, इस टीचिंग को लेकर ये लगातार धन्यवाद कर रही थी और विश्वास कर रही थी। अगर इसने भरोसा और विश्वास रखा तो किसने इसके लिए बोला? मैंने कहा किसने इसके लिए बोला? क्योंकि वो बोलता है, हाँ, कैसे बोलता है, कैसे बोलते हैं हम, कौन बोलता है आपके लिए, हाँ, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा। हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। कौन बोलता, कौन बोलता, मेरा के हमारा, मेरा के हमारा, मेरा है
आपका नहीं यीशु, मेरा है, मेरा अकेले का, आपका नहीं है, तो आपके लिए नहीं बोलता हूं। तो फिर खुशी से बोला करो। हाँ, पर किनके लिए बोलता है? जो संपूर्ण मन से। हाँ बोलो, क्या है? अगर आप यशाया 26 की 3 पढ़ो तो वहां पे लिखा, जो पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। जो संपूर्ण मन से, मन नहीं खराब करते। जैसे कितने लोग अपना मन खराब करते हैं, थोड़ा समय मन बनाते हैं, फिर मन खराब कर, थोड़ा समय मन बनाया फिर डालिया, फिर उधर, फिर इधर, फिर इधर। लिखा जो संपूर्ण मन से, क्योंकि काम किसने करना है? इसने संपूर्ण मन से, देखो इसने मुझसे तक नहीं, ये क्वाई टीम में, हमारी टीम में, और टीम मुझसे बात कर सकती है कब भी। हाँ, क्योंकि मेरी वैसे भी पर्सनल मीटिंग्स भी इनके साथ होती रहती है। हाँ, क्या होती रहती? तो ये तब नहीं बता सकती थी अपनी प्रॉब्लम, बता सकती थी, पर इसने नहीं बताया। इसने विश्वास रखा, क्योंकि जो ये टीचिंग सुनती है इस मिनिस्ट्री की, कि परमेश्वर सब कुछ आपके लिए कर चुका है, विश्वास रखो। क्या रखो? विश्वास रखो। और इसने विश्वास रखा, और इसके लिए किसने बोला? किसने बोला? क्योंकि आपके मन की बातों को कौन जानता है? आपके मन में आज क्या क्या है किसे पता है? किसे पता है? हाँ, अगर आप उस मन से आए हो तो आज भी परमेश्वर बोलेगा। मैंने कहा वो आज भी बोलेगा आपके लिए, और आज भी आपको डिलीवर करेगा और आशीष करेगा। हाँ, जैसे इसे किया बचपन से। हाँ, अभी कुछ समय पहले तो ये प्रभु में आ गई, पर ये संपूर्ण मन से इसने भरोसा रखा, और आज पूरी तरह से उस रोग से, इस बीमारी से। हाँ, क्योंकि सिर की एक ऐसी बीमारी होती है, चाहे गिल्टी, क्योंकि परमेश्वर जानता है, क्योंकि छोटी गिल्टी से, मांस से वो एक रसौली का रूप ले रही थी, परमेश्वर जानता था। अगर वो बोल रहा था मेरे मुंह से तो परमेश्वर जानता था। अगर वो बढ़ गई, कोई ट्यूमर बन सकता था, फट सकती थी, इसकी मौत हो सकती थी, क्या हो सकती थी? हो सकती थी, पर बचाने वाला कौन है? और कौन बाइबल में लिखा अपना वचन भेज कर क्या करता है? अपने लोगों को चंगा करता है। उसकी उस यहोवा परमेश्वर के लिए आपकी तारीफ आज लोगों को रोड तक सुननी चाहिए। मैंने कहा आपकी उस यहोवा परमेश्वर की तारीफ, जिसने इसके जीवन में काम किया, लोगों को आपकी तालियों की आवाज रोड तक सुननी चाहिए। आपके हाथ गर्म हो जाने चाहिए। आमेन, आमेन।